हेलो एवरीवन, पिछली क्लास में अपन ने जो है सिक्स चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया था, रासायनिक अभिक्रियाएं व उत्प्रेरक। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं सेवन चैप्टर, ठीक है, और वो है परमाणु सिद्धांत, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण और गुणधर्म। यानी तत्वों के बारे में पढ़ने वाले हैं डिटेल में, कितने तत्व हैं, आवर्त सारणी क्या होती है, परमाणु सिद्धांत कौन कौन से हैं। फिर से अपन पढ़ने वाले हैं, नाइन्थ में भी अपन ने परमाणु सिद्धांत पढ़े थे, आज फिर से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इस चैप्टर में अपन फिर से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन परमाणु का नाम आया तो परमाणु के बारे में पढ़ेंगे। भाई परमाणु अपन नाइन्थ में भी खूब पढ़ा था अपन ने परमाणु के बारे में। परमाणु क्या होता है? पदार्थ का छोटे से छोटा कण जिसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है, या अविभाज्य कणों को क्या बोलते हैं अपन? परमाणु बोलते हैं। इतना क्लियर है, ठीक है। ये अपन ने परिभाषा पढ़ी है। परमाणु मिलकर फिर बाद में अणु बनाते हैं। अणु परमाणु या तत्व मिलकर जो है वो क्या होते हैं? यौगिक वगैरह बनाते हैं या पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो परमाणु की जो है बात हो रही है, तो इसमें सबसे पहले जो है नाम आएगा इसमें परमाणु की खोज की अपन बात कर रहे हैं। तो एक भारतीय दार्शनिक थे महर्षि कणाद, ठीक है। और इन्होंने जो है एक परिभाषा बताई है परमाणु की, कि पदार्थ को जब अपन विभाजित करते जाते हैं तो एक ऐसी स्थिति आती है जब ये पदार्थ विभाजित होना बंद हो जाता है या विभाजित नहीं होता है आगे। तो इस अविभाज्य कणों को इन्होंने नाम दिया था परमाणु। इन अविभाज्य कणों को इन्होंने नाम क्या दिया था भाई? परमाणु नाम दिया था, ठीक है। इतना क्लियर है। फिर बाद में पकुदा कात्यायाम नाम से या पकुदा काव्यायाम नाम से एक जो है एक और साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या दिया, या एक दार्शनिक थे जिनको बोलते हैं अपन दार्शनिक, तो उन्होंने भी बताया था कि एक अविभाज्य कण है उसको उन्होंने नाम दिया था जो है परमाणु। और उन्होंने बताया था कि ये कण जो हैं मिलकर आगे मिलकर संयोग करके क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं या यौगिक बनाते हैं, पदार्थ का निर्माण करते हैं। फिर इसके बाद में जो हैं डेमोक्रिट्स आए। डेमोक्रिट्स ने भी ये बताया कि एक अविभाज्य कण है उसको नाम इन्होंने दिया था, एटम बोला था उन्होंने, ठीक है, इंग्लिश में एटम बोल दिया था उन्होंने। फिर उसके बाद में जो है अपन पढ़ते हैं कि डोल्टन का सिद्धांत क्या है। अब परमाणु जो है अपन इसमें पढ़ रहे हैं, तो परमाणु की संरचना आपको याद रखनी है। परमाणु में तीन चीज़ें होती हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये ठीक है। इतना क्लियर है, आपको याद रखना है कि प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसमें अपरमाणविक जो है कण होते हैं। यानी इसके अंदर और जो है परमाणु को अपन और विभाजित कर सकते हैं, सॉरी विभाजित नहीं, इसके अंदर कण होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इस तरीके से जो है अपन इनको नाम देते हैं। और ये परमाणु, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो इसके नाभिक में होंगे, परमाणु का नाभिक पढ़ा है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन उनके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये आपने पढ़ा है। अब देखो आज अपन पढ़ेंगे परमाणु का सिद्धांत, और सिद्धांत में किसने दिया ये परमाणु सिद्धांत? डोल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ेंगे अपन, डोल्टन का परमाणु सिद्धांत, डोल्टन का परमाणु सिद्धांत। और परमाणु की खोज जो है उसका श्रेय किसको जाता है भाई? सबसे पहले जो है परमाणु की खोज या सिद्धांत दिया था उन्होंने परमाणु के बारे में, किसने? डोल्टन ने। इन्हीं को जो है परमाणु की खोज का श्रेय दिया जाता है, डोल्टन को, ठीक है। इन्होंने 1808 में एक परमाणु सिद्धांत दिया, और इसमें बताए कुछ पॉइंट इन्होंने, क्या बताए भाई? इसमें बताए कुछ पॉइंट, और वो पॉइंट क्या थे? इन्होंने बताया कि पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पहला पॉइंट लिख लेना भाई, कि पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है। और फिर दूसरा पॉइंट इसमें लिखा था उन्होंने कि परमाणु एक अविभाज्य कण है, परमाणु एक अविभाज्य कण है, अविभाज्य मतलब इसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये बताया था। फिर इन्होंने बताया आगे कि एक ही तत्व के परमाणु रासायनिक गुणों आकार व भार में समान होते हैं भाई, ठीक है, समान सिमिलर होते हैं। इतना क्लियर है। फिर एक फोर्थ पॉइंट इन्होंने बताया कि अलग अलग, इसी में लिख लेना, अब आप लिख लेना इसको,
कि अलग अलग तत्वों के परमाणु अलग अलग तत्वों के परमाणु, इसके आगे फिर ये लिखोगे आप, परमाणु रासायनिक गुणों आकार व भार में समान की जगह आप क्या लिख दोगे, भिन्न होते हैं। इसके आगे आप लिख दोगे भिन्न होते हैं, ठीक है, भिन्न होते हैं, इतना लिख दोगे। ये चार पॉइंट आपको क्लियर हो गए। पहला पॉइंट क्या था कि पदार्थ जो होता है, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, कणों से मिलकर बनता है, इतना क्लियर है। ये चार पॉइंट आप लिख लोगे। फिर एक पॉइंट आप इसमें ही लिखोगे, फिफ्थ पॉइंट, कि परमाणु या जो है अलग अलग तत्वों के परमाणु निश्चित निश्चित जो पूर्ण संख्याएं होती है उनमें संयोग कर क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं, या अलग अलग तत्वों के परमाणु संयोग कर क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इन्होंने जो सारा जितना भी सिद्धांत में जितने भी पॉइंट बताए वो ये सिद्धांत जो है इन्होंने द्रव्यमान संरक्षण निश्चित अनुपात के नियमों के आधार पर बताए थे, ठीक है। ये आप पॉइंट लिख देना इसमें। तो ये कुछ जो है डॉल्टन ने कुछ पॉइंट बताए इसके बारे में कि पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, परमाणु अविभाज्य कण है, इसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, एक ही तत्व के परमाणु जो होंगे, यानी जैसे मान लो एक एक ही तत्व का मतलब है सोडियम, सोडियम का एक उदाहरण ले रहे हैं अपन, सोडियम के जो है परमाणु है, सोडियम के अंदर बहुत सारे परमाणु हैं, उस सोडियम के जितने भी परमाणु होंगे वो सारे के सारे रासायनिक गुण आकार और भार में समान होंगे, ठीक है। यानी भार तो सेम ही होगा ना, एक ही तत्व है भाई सोडियम, और उसके परमाणु ले रहे हैं अपन, तीन चार परमाणु ले ले तो वो सारे क्या होंगे, समान होंगे। अलग अलग तत्वों के परमाणु रासायनिक गुण आकार और भार में भिन्न भिन्न होते हैं, इतना आपको याद रखना है। अलग अलग तत्वों के परमाणु जो है संयोग कर आपस में यौगिक का निर्माण करते हैं, ये कुछ पॉइंट आपको याद रख लेने हैं, ठीक है। मैंने जो बोला है सारा जो है कॉपी में नोट होना चाहिए आपके। फिर आपको याद रखना है, ये तो था परमाणु सिद्धांत, ठीक है। परमाणु की खोज किसने की, डाल्टन ने, इतना पढ़ लिया अपन ने, ठीक। फिर अपन पढ़ेंगे थॉमसन का परमाणु मॉडल, अगला टॉपिक अपना क्या है, थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन का, जे जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, ठीक है, जे जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। और इन्होंने किसकी खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, किसकी खोज की थी भाई, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इन्होंने एक मॉडल दिया, पहला मॉडल था ये परमाणु का, मॉडल बोल रहे हैं अपन, ठीक है। तो परमाणु यानी इन्होंने एक डायग्राम के द्वारा या एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने बताया, ठीक है, एक डायग्राम के थ्रू बताया, यानी मॉडल इन्होंने दिया था, पहला जो है प्रतिरूप बताया इन्होंने परमाणु का, किस तरीके से बताया इन्होंने, पहले तो डेट याद रखनी, 1898 में इन्होंने बताया था, कब बताया था भाई, 1898 में इन्होंने बताया था, एक मॉडल दिया थॉमसन ने, जे जे थॉमसन नाम सुना है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए एक मॉडल दिया था या परमाणु के बारे में बताया था इन्होंने, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज तो कर ली थी इन्होंने पहले, अब इन्होंने परमाणु मॉडल दिया, और परमाणु मॉडल में क्या बताया कि परमाणु क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है, यानी उदासीन का मतलब क्या है कि जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी आप बोल सकते हो कि एक परमाणु है इसके अंदर नाभिक है, ठीक है, नाभिक में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन तो जीरो आवेश होता है, उस पर तो कोई आवेश होता ही नहीं है, तो प्रोटॉन का आवेश पॉजिटिव, बाहर क्या होता है इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है नेगेटिव माइनस होता है। इसका उदासीन का मतलब ये होता है, परमाणु उदासीन का मतलब ये होता है कि इसमें जितना नेगेटिव चार्ज होगा वो किसके बराबर होगा, पॉजिटिव चार्ज के, ठीक है, जितना इसमें ऋणावेश होगा उतना ही क्या होगा इसमें धनावेश होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इन्होंने बताया कि परमाणु एक धनावेशित गोला है, देखो किस तरीके से बताया था कि परमाणु एक धनावेशित गोला है, परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन बीच बीच में धंसे होते हैं, बीच बीच में धंसे होते हैं, ठीक है, बीच बीच में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं इसमें धंसे हुए होते हैं। अब देखो इन्होंने इस तरीके से मॉडल बना दिया,
ठीक है, कि इन्होंने जो है एक इसको मान लिया, एक गोला है, धनावेश धनावेशित गोला है, ठीक है, और इसके अंदर बीच बीच में नेगेटिव चार इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन हो गए नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, ठीक है, धनावेश और ऋणावेश की मात्रा बराबर है, तो इन्होंने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन धनावेशित एक गोला होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बीच बीच में धसे हुए होते हैं, जैसे कि फिर इन्होंने इसको नाम दिया था प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है, इसको नाम क्या दिया जाता है, एक और नाम से जानते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल। और प्लम पुडिंग मॉडल क्यों बोलते हैं, ये एक प्लम पुडिंग क्या हो गई, क्रिसमस केक की तरह होती है, जिसमें ड्राई फ्रूट जो होते हैं वो तो इलेक्ट्रॉन की तरह कार्य करते हैं, और जो केक होता है उसका मेवा वो होता है धनावेश की तरह, माना उन्होंने एक तरीके से जो है अज्यूम करते हैं ना अपन, कंपेरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, उस तरीके से था ये, तो ये क्रिसमस केक मिठाई की तरह था। तो इसमें क्या था कि जो उसका जो वाइट पार्ट होता है या केक होता है, जो इसका मावा होता है वो तो धनावेश की तरह माना उन्होंने, और उसके अंदर जो ड्राई फ्रूट मतलब काजू बादाम वगैरह लगे होते हैं उनको इन्होंने क्या माना, इलेक्ट्रॉन की तरह माना, ठीक है। और फिर देखो इसमें इन्होंने एक और, इसको एक और चीज़ से अपन कंपेयर कर सकते हैं, इसको जो है वाटरमेलन या तरबूज मॉडल, तरबूज तरबूज से भी इसको कंपेयर कर सकते हैं, तरबूज मॉडल भी बोल सकते हैं इसको। तरबूज में जैसे कि जो लाल भाग होता है, देखो मुंह में पानी आ रहा है कहीं के तो, ठीक है, मुंह में पानी आ रहा है देखो कहीं के तो, तरबूज का नाम सुनते ही, तो तरबूज में जो है आप देखते हो जो लाल भाग होता है, तरबूज को कैसे काटोगे आप, बीच में से ऐसे काट दो, ठीक है, गोलाई में, अब गोलाई में काटोगे ना आप उसको, तो आप ऐसे देखो उसको गोलाई में क्या दिखेगा आपको, उसके अंदर लाल भाग दिखेगा, ठीक है, जो खाने वाला भाग होता है जिसको गरी बोलते हैं अपन, खाते हैं, ठीक है, तो लाल भाग दिखेगा और उसमें बीच बीच में क्या होंगे, बीज लगे हुए होंगे। तो उन्होंने बोल दिया कि जो तरबूज का लाल भाग होता है वो तो ऐसे था जैसे कि धनावेश, ठीक है, और जो बीज थे उसके सीड्स वो थे इलेक्ट्रॉन। तो इसको भी अपन कंपेयर कर सकते हैं किससे, तरबूज से, तरबूज मॉडल भी इसको बोला जा सकता है, ठीक है, ये इन्होंने बताया था टोटल इसके बारे में, ठीक है, इतना क्लियर है आपके बारे में, इसके बारे में, परमाणु के बारे में, इतनी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अब आप अगली जो क्लास होगी उसमें अपन पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ रदरफोर्ड मॉडल क्या है, रदरफोर्ड मॉडल क्या था, उन्होंने क्या क्या जो है प्रयोग किए थे, उन्होंने प्रयोग कैसा प्रयोग किया था, क्या क्या चीज़ें ली थी, रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु प्रतिरूप, परमाणु प्रयोग या स्वर्ण पत्र प्रयोग भी बोलते हैं इसको, स्वर्ण पत्र प्रयोग भी बोलते हैं, ठीक है, स्वर्ण पत्र प्रयोग क्यों, क्योंकि उन्होंने स्वर्ण पत्र मतलब सोने की पतली पन्नी ली थी और उस पे जो है अल्फा कणों की बौछार की थी। उन्होंने प्रयोग कैसे किया, देखो क्या क्या चीज़ें लगाई उन्होंने, उन्होंने क्या किया कि एक यहाँ पे एक सोने की बहुत पतली पन्नी ली उन्होंने, ठीक है, ये मान लो कि ये क्या है, एक सोने की पतली पन्नी है, ठीक है, और इसके चारों ओर यहाँ पे क्या लगा दिया उन्होंने, जिंक सल्फाइड का पर्दा लगा दिया, जिंक सल्फाइड मतलब ZnS, देखो ये क्या थी, सोने की बहुत पतली पन्नी ले ली। अब सोना ही क्यों सेलेक्ट किया उन्होंने, आप ये पूछोगे, सोना इसलिए उन्होंने लिया कि सोना क्या होता है, सबसे ज़्यादा तन्य धातु है, 8वीं क्लास में पढ़ा है, सोने के 1 ग्राम से जो है 1 किलोमीटर लंबा वायर खींचा जा सकता है, 1 किलोमीटर, 1 ग्राम से 1 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है, यानी सोना जो है सबसे तन्य धातु है, उसको अपन चाहे जितना पतला कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पतला कर सकते हैं। तो उन्होंने जो है इस जो सोने की पतली पन्नी ली वो 10^-7 मीटर की ली थी, यानी बहुत ज़्यादा पतली, 10^-7 मीटर का मतलब हो गया बहुत पतली हो गई, ठीक है, ये पतली पन्नी ले ली और यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, एक जिंक सल्फाइड का एक पर्दा लगा दिया, स्क्रीन लगा दी, जिंक सल्फाइड ZnS, जिंक सल्फाइड, ये ऐसा क्यों सेलेक्ट किया उन्होंने, अभी बताता हूँ इसका रीज़न में। यहाँ पे उन्होंने लिया एक अल्फा पार्टिकल का स्रोत, अल्फा कण का स्रोत, अल्फा कण का स्रोत, और अल्फा कण क्या होते हैं बच्चों, ध्यान रखना, अल्फा कण होते हैं हीलियम परमाणु के नाभिक होते हैं, हीलियम परमाणु के नाभिक, ठीक है,
और ये कैसे होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इतना आप याद रखना है आपको। अल्फा कण क्या होते हैं, हीलियम जो होता है ना, हीलियम पढ़ा है, हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम के नाभिक, हीलियम के नाभिक, ठीक है, हीलियम के नाभिक मतलब उसमें दो प्रोटॉन होते हैं, दो न्यूट्रॉन होते हैं, इस तरीके से अपन बोल सकते हैं। यहाँ से उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की बौछार करवाई किस पे, जो सोने की पतली पन्नी ली उस पे उन्होंने क्या करवाया, इसकी बौछार करवाई, ठीक है, या इस तरीके से आप बोल सकते हो इसको। यहाँ से क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल्स की इन्होंने बौछार करवा दी किस पे, सोने की पतली पन्नी। उन्होंने देखा कि यहाँ से कुछ कण जो है यहाँ पे, अब देखो इसका महत्व क्या है, ZNS का महत्व क्या है यहाँ पे, ये पर्दा क्यों लगाया उन्होंने, ये पर्दा इसलिए लगाया कि जैसे अल्फा पार्टिकल आके यहाँ पे टकराएंगे, अब उनको पता कैसे चलेगा कि वो वहाँ से निकल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या कर दिया, ZNS का पर्दा लगा दिया, और जैसे ही वो अल्फा पार्टिकल इससे जाके टकराएगा ना, यहाँ पे एक लाइट, एक फ्लैश उत्पन्न करेगा, जैसे ही टकराएगा यहाँ पे लाइट उत्पन्न करेगा, और उनको पता चल जाएगा कि अल्फा पार्टिकल कैसे मुड़ा है, कैसे गया है, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने जो है एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने इतनी चीज़ों का उपयोग किया, ठीक है। ये स्वर्ण स्वर्ण पत्र ले लो, सोने की पतली पन्नी, ठीक है, और ये कितनी पतली थी, 10^-7 मीटर, आपको याद रखना है, इसका भी कोई काम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और अल्फा पार्टिकल का ये सोर्स ले लिया उन्होंने, अल्फा पार्टिकल गए किस तरीके से, ये सारा एक्सपेरिमेंट था। अब इसके बारे में डिटेल जो है नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे, तब तक आप जो है